राहुल गांधी के पैदल मार्च को इजाजत नहीं दी गई है। धारा 144 लागू होने की वजह से इजाजत नहीं मिली है राहुल गांधी के पैदल मार्च को। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ मार्च निकालने वाले थे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक उन्हें जाना था और ये पहले से तय कार्यक्रम, जिसके बाद अब ये बड़ी अपडेट इस पर कि राहुल गांधी के पैदल मार्च को इजाजत नहीं दी गई क्योंकि धारा 144 लागू है किसान आंदोलन के चलते। और इसी को लेकर आज कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक मार्च कर ज्ञापन सौंपने वाली थी। केवल 3 नेताओं को ही ज्ञापन देने की इजाजत मिली है। ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी आपको बता दें क्योंकि आज राहुल गांधी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने जाने वाले थे, लेकिन उनके पैदल मार्च को अनुमति नहीं दी गई और 3 नेताओं को ही ज्ञापन सौंपने की इजाजत दी गई है। ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ, क्योंकि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले थे, जिसमें कहा गया था कि कई बड़े नेताओं के, कांग्रेस के और साथ ही किसानों के भी हस्ताक्षर हैं, जिसमें जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, उसी के विरोध का समर्थन करने के लिए कांग्रेस ये ज्ञापन राष्ट्रपति को आज सौंपना चाहती है। लेकिन सिर्फ 3 नेताओं को ही ज्ञापन की देने की इजाजत दी गई है, ये भी हम आपको बता दें। और क्योंकि बड़ी संख्या में पहले से ही विजय चौक पर आज कांग्रेस के नेता इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन वहीं से राहुल गांधी के पैदल मार्च को रोक दिया गया क्योंकि धारा 144 लागू है। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आज कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा, लेकिन उससे मिलने से पहले, क्योंकि तमाम सांसदों को कहा गया है कि उसके अलावा जितने भी कांग्रेस के सांसद हैं वो यहाँ इकट्ठे होंगे विजय चौक पर और यहाँ से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन जाएंगे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को इजाज़त दी है राष्ट्रपति के पास जो डेलीगेशन जाएगा मिलने के लिए, उसमें राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा जो सांसद आएंगे उनको शायद जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको डिटेन करने के लिए, देखिए बस खड़ी की गई है, उनको पुलिस डिटेन करेगी और पुलिस डिटेन करके थाने ले जाएगी, फिर हो सकता है उनको छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल यह स्थिति है कि यहाँ 10:45 के आसपास उनके आने का टाइम है, 11:30 बजे डेलीगेशन मिलने जाएगा राष्ट्रपति से। इससे पहले भी विपक्ष का एक डेलीगेशन जाकर मिल चुका है राष्ट्रपति से, उन्होंने भी यही मांग की थी कि जो कृषि कानून है उनको रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है, छोड़ना नहीं चाहती है, किसानों का हितैषी अपने आप को दिखाना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी ने भी समय मांगा है। राहुल गांधी आज एक डेलीगेशन के साथ जाएंगे, मिलेंगे, लेकिन जो सांसद उनके साथ होंगे कांग्रेसी सांसद उनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, पुलिस की तरफ से यही बताया गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम यहाँ आएंगे, हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे, पुलिस को डिटेन करना है तो करें, लेकिन हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराकर ही यहाँ से मानेंगे और यहाँ से जाएंगे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।